आज दौसा में भाजपा कार्यसमिति की बैठक का आयोजन हुआ, जहां पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा, राजेंद्र राठौर और डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा सहित तमाम भाजपा के दिग्गज शामिल हुए। दौसा शहर में एंट्री मारते ही भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी का भाजपाइयों ने स्वागत किया और माला साफा पहनाकर स्वागत किया गया। वहीं कार्यक्रम के दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कार्य समिति को संबोधित करते हुए कहा, राहुल गांधी की गौमांश खाकर संसद में भगवान शंकर का चित्र लेकर आते हैं, हिंदू समाज से बर्दाश्त नहीं कर सकता। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि कोई हिंदू को आतंकी और हिंसक कह देगा तो हम चुप नहीं बैठेंगे, राम मंदिर का विरोध करने पर चुप नहीं बैठेंगे। बैठक को उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने भी संबोधित किया। लड़ने की दृष्टि से हुआ और भाषणों में सभी ने यह कहा जो कमल का फूल लेके आए वही हमारा कैंडिडेट है और ये होता ही है सदा। और प्रमुख रूप से बात यह है कि बड़ा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे बनाया 75,000 करोड़ की आरसी की आरोपी है, फिर भी इस इलाके के लोग भयकाऊ में आ गए कि अगर मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए तो SC ST का आरक्षण खत्म कर देंगे, संविधान खत्म कर देंगे। मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए ऐसी कोई बात नहीं, किसानों के सम्मान के लिए सबसे पहले आदिवासी एससी के जो मुद्दे थे उनको सबसे पहले सुलझाया और इसलिए जिनको महकाया गया उनको समझाने की रणनीति हम बनाएंगे। मैंने वैसे ही क्योंकि मैं नीलकंठ जाता रहता हूँ मैंने अध्यक्ष जी ने तय किया मैं अध्यक्ष जी मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री से मिलेंगे। देखिए प्रदेश की कार्य समिति बहुत बड़े जोश के साथ जयपुर में आयोजित हुई, पूरे जिलों में वर्किंग कमेटी की मीटिंगें हो रही है, खासतौर से 5 ऐसे विधानसभा क्षेत्र जहां पर उपचुनाव होने हैं और खासतौर से आज जो यहां वर्किंग कमेटी हुई यहां के भी विधानसभा के चुनाव होने हैं। अभी पार्टी का मोटा मोटा जो विचार है वो डबल इंजन सरकार के द्वारा जो काम किए गए, चाहे वो किसान हित में किए गए हो, युवाओं के हित में हो, या सरकारी नौकरी देने का सवाल हो, सड़कों का सवाल हो, कृषि से जुड़े विषयों का सवाल हो, इन विषयों के आधार पे ये विधानसभा चुनाव। और चलिए आगे बढ़ते हुए